हेलो फ्रेंड्स, फ्राइडे को शाहरुख खान ने अपने फैंस को एक तोहफा दिया। उन्होंने अपनी नई फिल्म जवान का टीज़र रिलीज किया। अब टीज़र से फिल्म की कहानी के बारे में या फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन शाहरुख खान का जो लुक था वो रिवील हुआ। शाहरुख खान के लुक को सोशल मीडिया पे लियम नीलसन के लुक से कंपेयर किया जा रहा है फ्रॉम द मूवी डार्क मैन, जो 1990 में रिलीज हुई थी। ये एक सुपर हीरो फिल्म थी और हॉलीवुड में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, और इससे शाहरुख खान का लुक कंपेयर किया जा रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि शायद जवान मूवी डार्क मैन का रीमेक है। इस सिमिलर लुक को देखने के बाद बॉलीवुड को फिर से एक बार सोशल मीडिया पर कॉपीवुड कहा जा रहा है। या तो बॉलीवुड साउथ इंडियन फिल्मों की कॉपी करता है या फिर हॉलीवुड फिल्मों की। अब तो ये फिल्म के ट्रेलर या फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये डार्क मैन की कॉपी है या फिर ये एक ओरिजिनल फिल्म है। फिलहाल तो शाहरुख खान की पिछले 6 महीनों में ये तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट है आफ्टर पठान एंड डंकी। आगे की बॉलीवुड फिल्मों की अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।